अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशकुर्रम होंगे और अपने बहुत ही अच्छे अच्छे से कामों में मसरूफ़ होंगे। अलहम्दुलिल्लाह होम व्लॉग में आप सबको वेलकम कहती हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि बारिश हो रही है और बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है, और इस बार मानसून में बारिशों ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। इन दिनों में मरी का सा समा लग रहा है, एक तरफ से बादल उठते हैं और बरसते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं, कभी धूप कभी छांव कभी बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवा और किसी वक्त बहुत ही ज़्यादा हबस। बहुत से ऐसे शहर भी हैं जहां ये बारिशें बहुत ही ज़्यादा अच्छी समझी जा रही हैं, जैसा कि इस्लामाबाद में और शुमाली इलाकाजात में। वहाँ पर जैसे ही बारिश होती है पता ही नहीं चलता कि इसका पानी किधर गया, लेकिन जैसे जैसे मैदानी इलाके आते हैं यही बारिश बायस ज़हमत भी बन जाती है। बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से बहुत से इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। बहुत से लोग जो कि अपनी ज़मीनें आबाद करके बैठे हुए थे, काश्तकारी कर रहे थे, जानवर थे उनके पास बहुत ज़्यादा, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर या किसी तरह भी उन्हें वहाँ से लेकर और दूसरी जगह पर मुंतकिल हो रहे हैं। और दुआ है कि अल्लाह पाक इन सब को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरा जो एक्सपीरियंस है कि बारिश ने मेरे घर में क्या असरात छोड़े हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जी, ये सबसे पहले मैं आपको एक सीढ़ी दिखा रही हूँ, स्टेयर्स की एक एक स्टेप को आप देखकर अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये पता नहीं कई महीनों बल्कि कई सालों से साफ़ ही नहीं की गई। तो ऐसी कोई बात नहीं है जी, ये काम है सारा बारिशों का। बारिशों की वजह से सीढ़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और अब मैंने इसे साफ़ करना है और आपके सामने ही साफ़ करके दिखाऊँगी, और आप देखते ही रह जाएंगे, आप हैरान होंगे कि ये वही वाला मार्बल है जो कि अभी इतना गंदा था। मार्बल की क्लिनिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ तेज़ाब, और तेज़ाब है जी नमक वाला, इसे नमकीन तेज़ाब भी कहा जाता है। और इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ एहतियातें बरतनी पड़ती हैं, यानी हमें ग्लव्स पहनना पड़ेगा, अपना मास्क लगाना पड़ेगा, बच्चों को दूर रखना पड़ेगा, साथ में हमें चाहिए होगा इस तरह से कोई ब्रश, ब्रश किसी तरह का भी हो सकता है लेकिन ज़रा हाथ से ज़रा दूर होना चाहिए ताकि हाथ पर ना आकर पड़े। और जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ, अगर हमारे हाथ या पाँव पर आकर लग भी जाएगा तो कोई ख़ास नुकसान होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी हमने एहतियात बरतनी है। ग्लव्स मैंने पहन लिए हैं और इसके साथ हमें चाहिए होगा एक लोटा, सॉरी मुझे इसकी इंग्लिश का नहीं पता, बहरहाल हमें लोटा ही चाहिए होगा, क्योंकि इसकी एक बड़ी ख़ास वजह है जो मैं आगे चलकर आपको बताने वाली हूँ कि अगर हम कोई और चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो उससे शायद हम वो वाला काम ना ले सकें जो इससे ले सकते हैं। तो ये है जिसकी वजह, जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी ये डायरेक्ट वहाँ जाकर पानी पड़ेगा। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि अगर हमने हाफ लोटे में पानी डाला है तो हमने इसमें हाफ कप जितना तेज़ाब डालना है, और उसके बाद जी ये वहाँ वहाँ पर हमने डालना है जहाँ पर ज़्यादा निशान है, और ये खुद ब खुद चलता हुआ जब इधर उधर फैलेगा तो साथ साथ हमने ब्रश भी चलाना है। तो ये देखिए आपके सामने किस तरह ये जादुई तरीके से सफाई कर रहा है। हाँ, कहीं भी दाग धब्बे होंगे तो हमने लोटे को उसी डायरेक्शन में चलाना है और ये वहाँ से सारी मैल कुचैल को उतारता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा, और हम साथ साथ ब्रश भी चलाते जाएंगे। कि तेज़ाब और पानी मिलाकर जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये कोई भी नुकसान नहीं दे सकता हमारे घर के फर्शों को, टाइल्स को, स्लेब्स को, कोई भी ऐसी चीज़। सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसे स्टील के ऊपर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, जैसा कि सिंक वगैरह होते हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, वहाँ पर ये दाग छोड़ जाएगा। तो वाले फर्श पर भी हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं वुडन फ्लोर पर। ये आपके सामने है किस कदर तेजी से ये काम दिखा रहा है, बहुत ही अच्छे से ये सफाई करता है। सिर्फ और सिर्फ हमें इससे एहतियात बरतनी होती है कि अपना भी ख्याल रखना होता है। और एक खास बात जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमने इसे पानी में मिक्स करके ही इस्तेमाल करना है, हमने खालिस तेजाब को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इसी वीडियो में आगे जाकर मैं आपको किचन की स्लेब्स या फिर वॉशरूम्स की टाइल्स पर भी इसे यूज करके दिखाऊंगी। प्यारे व्यूवर्स, फर्श की सफाई पर, क्लीनिंग पर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, बहुत ही माशाल्लाह उसके ऊपर अच्छे व्यूज आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि मैं हमेशा वो चीज शेयर करती हूँ जो कि अच्छे रिजल्ट्स देती हो और उसके कोई साइड इफेक्ट भी ना होते हों। तो इसका एक इसके बारे में बात बताना जरूरी समझूंगी कि अगर हमने इससे एक बार क्लीनिंग कर ली है तो ये आदत नहीं बना लेनी कि हम रोजाना इसी तरह से मिक्सचर बनाएं और बस अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर
कर दें। बारिश की वजह से हमारे घर के बहुत सारे एरियाज में इस तरह से फर्श ख़राब हो जाते हैं, और इनके लिए हम एक छोटा सा यानी कि थोड़ी सी मिकदार में कोई मिक्सचर बनाकर वो यूज़ करें तो वो हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत सारी मिकदार में वो चीज़ बनानी पड़ेगी और वो काफ़ी टाइम भी लगेगा। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ही अच्छी रहती है, और इसे हम अगर इसी तरह से इस्तेमाल करें यानी कि हमने तेज़ाब में पानी मिक्स करना है, अगर हम एक पूरा लोटा पानी का लेते हैं तो एक कप उसमें तेज़ाब डाल लें तो आसानी से बहुत सारी जगहों को क्लीन कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाकर मैं इस लोटे की जगह एक और चीज़ भी बताने वाली हूँ कि अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम उसके साथ भी काम ले सकते हैं, लेकिन ये नामुमकिन सी बात है कि इस तरह की कोई चीज़ हमारे घर में ना हो। बहरहाल मैंने ये अलग से मंगवा के रखा हुआ है अपने घर की क्लीनिंग के लिए। पानी और नमकीन तेज़ाब के मिक्सर के लगाने के बाद अच्छी तरह उसे हर तरफ रब करने के बाद फिर हमने इसे सादा पानी से वॉश कर लेना है। तो अब आपके सामने है जी तमाम की तमाम स्टेप्स आपके सामने हैं। स्टेयर बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं और ये देखिए आपके सामने एक एक स्टेप मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ। अगर आपके यहाँ कोई ऐसी जगह है जो कि बहुत सालों से बहुत ज़्यादा इसी हालत में पड़ी हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे एक ही दिन में साफ़ कर लें, उसके लिए आप कुछ दिन का वक्फा करके दोबारा से यही वाला तरीका अप्लाई करें। तो ये है जी बॉटल, और इस तरह की बॉटल सबके घरों में मौजूद होती हैं, तो मैं ऐसी बॉटल्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ अपने प्लांट्स के लिए भी। और ये देखिए जी इसकी जो लिड है, और ये देखिए इसमें मैंने एक होल कर लिया छोटा सा। इस तरह के जो लिड्स होती हैं वो मैंने अपनी मेड बाजी यानी कि अपनी हेल्पर को भी बनाकर दे रखी हैं, और इसके इस्तेमाल करने से ये मिक्सचर जो है बहुत कम से कम यूज़ होता है। तो ये आपके सामने है कि पानी कितना है और मैं इसमें तेज़ाब कितना डाल रही हूँ। नमकीन तेज़ाब हमने इस बॉटल में तकरीबन 8 से 10 टेबलस्पून डालने हैं। अब इस होल वाले लिड को इसके ऊपर सेट कर देंगे और इसे यूज़ करेंगे। और देखिए जी आपके सामने है कि हमें एक तो हमने जहाँ पर इसे इस्तेमाल करना है डायरेक्ट ये मिक्सचर वहीं जा कर डलेगा, ये देखिए आपके सामने। और दूसरी बात ये कि ये ज़ाया नहीं होता, हमें जितना चाहिए होता है ये उतना ही इस्तेमाल होता है। जैसा कि आपको ये स्लेब नज़र आ रही होगी, ये मेरा एक दूसरा किचन है और यहाँ पर आपको डार्क डार्क से निशानात नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बर्तन ज़्यादा वॉश होते हैं ज़्यादा पानी की वजह से या फिर ज़्यादा चिकनाई की वजह से स्लेब्स अक्सर ख़राब हो जाती हैं, तो उनको इसी मिक्सचर के साथ साफ़ करना बहुत आसान रहता है। मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ कि किसी भी चीज़ को हमें अपनी आदत नहीं बना लेनी चाहिए, कि अगर वो चीज़ हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आ रही है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रही है, तो हम उसे हर रोज़ इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसके लिए हम एक शेड्यूल बना लें कि हमने 15 दिन के बाद या महीने के बाद उसे इस्तेमाल करना है। आप बॉटल का आइडिया देखिए कि किस कदर अच्छा है और कितना अच्छा काम दिखा रही है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि कम से कम हमारा जो तेज़ाब है नमक वाला तेज़ाब वो यूज़ होगा, और दूसरी बात यह है कि डायरेक्ट उसी जगह पर जाकर ये मिक्सर जाकर बैठेगा जहाँ हमें ज़रूरत है इसकी। नमक वाले तेज़ाब के रिजल्ट्स 100% होते हैं, और जहाँ कहीं भी ये यूज़ किया जाए, जो जो जगह मैंने बताई हैं और जो नहीं बताई उन पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और इसके लिए एक और बात मैं बताना ज़रूरी समझूंगी कि जब हम ये काम कर रहे हों तो उस दिन हमने कोई बहुत ही पुराना सा ड्रेस पहनना है, क्योंकि इसका एक छींटा एक लिटल ड्रॉप भी अगर हमारे ड्रेस पर आकर बैठ जाता है तो वो बिल्कुल चिट्टा हो जाएगा, बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। तो हमने अपना कोई नया वाला ड्रेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना। लगे हुए फर्श चाहे वो मार्बल्स के हों, टाइल्स के हों, और या स्लेब्स हों हमारे किचन की, वॉशरूम की टाइल्स हों, नमक वाला तेज़ाब इन सब को बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देता है। शर्त सिर्फ ये है कि हमने इसमें पानी ज़रूर मिक्स करना है। अगर हम इसमें पानी मिक्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट नमक वाले तेज़ाब को अपने फर्श मार्बल टाइल्स वगैरह पर यूज़ करेंगे तो उनके रंग ख़राब हो जाएंगे और उनके दरमियान में लगी हुई फिलिंग को ये उखाड़ फेंकेगा। इसलिए मैंने बार बार इस बात को दोहराया है कि इसमें हमने पानी ज़रूर शामिल करना है। नमक वाला तेज़ाब की खासियत बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसकी वजह से हमने इसे बहुत ही ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल करना है, अपने हाथ पांव को बचा के रखना है और ख़ास तौर पर बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। और जब भी हम अपनी हेल्पर्स को दें कि वो इससे इस्तेमाल करें और हमारे यानी फर्श को साफ़ करें या फिर हमारे वाशरूम्स को साफ़ करें, तो हमें ख़ुद को उन्हें पानी में मिक्स करके देना चाहिए, या फिर अगर वो इसे इस्तेमाल कर रही हो तो उनके पास ठहर कर और बहुत ही एहतियात से इस काम को करवाना चाहिए।
हेल्पर्स के पास खड़े होने का दूसरा मकसद ये भी होता है कि बाज़ औक़ात वो अपनी बहुत ज़्यादा आसानी के लिए इसे डायरेक्ट इस्तेमाल कर देती हैं, क्योंकि डायरेक्ट इस्तेमाल करने से ये जो काम 2 मिनट में करता है वो 1 मिनट या 1 मिनट से कम टाइम में भी करके दिखा देता है। तो इसलिए उनके लिए तो आसानी हो जाती है, लेकिन हमारे जो फ़र्श हैं उनके दरमियान में जो फीलिंग लगी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता उखड़ने लगती है, फ़र्श ख़राब होने लगते हैं। सेम इसी तरीके से हमने अपने वॉशरूम्स की वॉल्स के ऊपर इस्तेमाल करना है। ये देखिए जैसा कि मैं डाल रही हूँ, और ये देखिए बिल्कुल हमने दीवार के साथ ही इस बॉटल को लगा देना है, और ये जो सारा इसका मिक्सचर है ये पूरी दीवार पर से गुजरता हुआ नीचे तक जाएगा और हर जगह उसको साफ़ सुथरा कर देगा। हमने बाद में इसके ऊपर ब्रश लगाना है, फिर उसके बाद हमने इसे पानी से वॉश कर देना है। और ये देखिए जी यहाँ भी यही काम किया गया है जी। मैंने पूरी एहतियात और पूरी तरह से क्लीनिंग नमक वाले तेज़ाब के मुतल्लिक आपके साथ शेयर कर दी है। यकीनन आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और यकीनन इस तरीके से अपने घर के फर्शों को साफ़ भी करेंगे। तो कैसी लगी जी आज की ये खूबसूरत सी वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।